आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भांडेर चिरगांव चुंगी पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि आटा चक्की पर बाबू नाम के व्यक्ति के साथ भगवान दास यादव आटा चक्की पर गया और वाद विवाद होते ही विवाद इतना बढ़ गया कि आशीष रजक एवं उनके भाइयों ने भगवान दास यादव को आटा चक्की की दुकान पर तोलने वाले बांटों से सिर को चल डाला, जिससे भगवान दास यादव की तत्काल रूप से मौत हो गई। आनंद फानंद में भांडेर थाना प्रभारी डॉक्टर मोनिका मिश्रा के साथ ही भांडेर SDOP कार्णिक श्रीवास्तव घटनास्थल पर पहुंचे। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि मृतक भगवान दास यादव एवं आशीष रजक के परिजनों से पुरानी रंजिश थी, जिसके तहत आशीष रजक एवं उनके भाइयों ने भगवान दास यादव को मौत के घाट उतार डाला। भांडेर पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए आरोपी आशीष रजक को तत्काल रूप से दबोच लिया गया। साढ़े नौ के लगभग एक फोन आया था कि चिरगांव चुंगी पे जो एक चक्की के सामने आटा चक्की के सामने एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है और संदेहास्पद रूप से हत्या उसकी की गई है। तो उसमें प्रारंभिक रूप से हम लोग जो है घटनास्थल पर आए तो ये मृतक जो है भगवान सिंह यादव नाम का व्यक्ति है और इसकी किसी ने हत्या जो है वो करी है। अभी इसमें 3 से 4 संदेह जो है वो हमको स्पष्ट हुए हैं प्रारंभिक रूप से, तो उसी के संबंध में जो है वो आगे अभी तहकीकात की जाएगी। अभी सर जो अभी एक संदेही को जो है वो हमने राउंड अप किया है, तो उसके संबंध में जो है वो अभी अग्रिम निवेश ने थोड़ा सा साक्षियों से कथन ले लिए है, FIR हो गए, उसके बाद में हमें आगे की डिटेल। सर जी क्या पहले पूर्व में जो है उस पर कुछ अपराध दर्ज थे, उनकी एग्जैक्ट डिटेल्स जो है वो देखनी पड़ेगी, बट अभी जहाँ तक सुनने में आया है कि वो उसमें दोषमुक्त हो चुका है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।